हेलो स्टूडेंट्स एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा स्टडी कर रहे हैं इससे पहले की क्लासेस में हमने आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स और सब फाइलम तक क्लासिफिकेशन स्टडी किया है आज हम सब फाइलम कैलिसेटा की क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस स्टडी करेंगे सब फाइलम कैलिसटा बॉडी जो है इसकी वो डिवाइडेड होती है इनटू एंटीरियर सिफेलोथोरैक्स और पोस्टीरियर एबडोमन में सिक्स पेयर्स ऑफ प्रोसोमैटिक अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीना और ट्रू जॉज़ इसमें एबसेंट होते हैं यह है दो क्लासेस में डिवाइडेड होता है मीरोस्टोमा मीरोस्टोमेटा एंड अरेक्नेडा मीरोस्टोमेटा जो फर्स्ट क्लास है इसकी मीरोस मीन्स थाए स्टोमा मीन्स माउथ यह ज़्यादातर मरीन होते हैं मीडियम सिंपल और लेटरल कंपाउंड आइज इनमें प्रेजेंट होती हैं फाइव टू सिक्स पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसमें बुक गिल्स होती हैं एबडोमन जो है वो एक शार्प टेल्सन या स्पाइन में एंड होता है और एक्सक्रीशन जो है इनमें वो कॉक्सल ग्लैंड से होती है मेल्फीजियन ट्यूब्यूल इनमें एबसेंट होते हैं मीरोस्टोमेटा जो है इसमें दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो मरीन ऑर्गेनिज़म्स के प्रजेंट होते हैं एक होता है सी स्कॉर्पिय या यूरी टेरिड्स जो कि सब क्लास यूरी टेरिडा में आते हैं और सेकेंड है हॉस शू क्रैब्स जो कि सब क्लास जिफोसूरा में आते हैं पहले हम लेंगे क्लास वन मीरोस्ट्रोमैटा मीरोस्टोमैटा जो है इसमें अगेन वो टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं सी स्कॉर्पियंस एंड क्रैब्स ये इनके एग्जाम्पल्स हैं दिस इज द सी स्कॉर्पियन एंड दिस दी हॉर्स शू क्रैब सी स्कॉर्पियंस जो होते हैं हम पहले लेंगे सब क्लास वन यूरिटेरिडा यूरिस मीन्स ब्रॉड एंड टेरिग मीन विंग्स सी स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो जायंट वाटर स्कॉर्पियंस हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यह टू है हंड्रेड से 500 मिलियन इयर्स अगो जो है वो रहते थे कुछ बहुत ह्यूज थे जो कि तीन मीटर की लेंथ तक हो सकते थे सिफेलोथोरैक्स जो है इनका वो स्मॉल होता है कैरापेस प्लेन होता है एक्सटेंडेड नहीं होता है एबडामिन जो है वो अनसेगमेंटेड होता है और पीछे की तरफ जो है वो नैरो हो जाता है इनकी मॉर्फोलॉजी ये सजेस्ट करती है दैट दे फेड ऑन अ वाइटी ऑफ फूड्स बहुत सारे फूड पर ये फीड करते थे सम मे हैव बीन एम्फीबियस इमर्जिंग ऑन टू लैंड फॉर अटलीस्ट अ पार्ट ऑफ दे लाइफ साइकिल यूरी टेरस एंड टेरीगोटस जो है वो इसका एग्जाम्पल्स हैं हम देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ दी प्रोसोमा एंड दिस इज दी ऑपिस्थोजोमा ठीक है पोस्टीरियर पार्ट एंड एंटीरियर पार्ट और एंड में जो है वो थोड़ा सा पॉइंटेड नैरोसन फॉर्म कर रहा है सेकेंड सब क्लास जो है इसकी वो है जिफोसूरा जिफोस मीन्स सॉर्ट और मीन्स टेल हॉर्स शू क्रैप्स जो है दे आर ऑल्सो एन एंशंट ग्रुप लेकिन अब फिलहाल इनकी सिर्फ पांच स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं दे आर मरीन एंड दे कैन बी फाउंड ऑन द सी फ्लोर जहाँ पे वो मड में बरीड होते हैं ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स पर प्रीडेटर्स होते हैं जैसे वॉम्स स्मॉल फिश एक्सेट्रा इन पर ये यह इनका भोजन होते हैं टू मेन बॉडी पार्ट्स जो हैं इनके वो हैं सिफेलोथोरैक्स एंड एबडामन एबडामन जो है वो अनसेगमेंटेड होता है मेम्बर्स जो हैं इस क्लास के दे हैव अ लार्ज एक्सटेंडेड कॉन्वेक्स हॉर्स शू शेप्ड कैरापेस इसलिए इनको हॉर्स शू एनिमल्स बोलते हैं तो इनका जो कैरापेस है वो हॉर्स शू शेप्ड होता है और जो कि पूरे के पूरे सिफेलोथोरेक्स को कवर करता है पोस्टीरियर पार्ट जो है ऑर्गेनिजम्स का उसमें एक टेल स्पाइन प्रेजेंट होती है टेल स्पाइन या कॉडल स्पाइन जो है इट इज ऑल्सो रेफर टू एज अ टेल्सन और ये क्रैप्स जब मुड़ते हैं तो उन वो ओवर टर्न नहीं हो जाए इसमें वो टेल्सन जो है वो उसको प्रिवेंट करती है अपेंडिजिस जो हैं वो इसमें सिक्स पेयर्स प्रेजेंट होते हैं फाइव पेयर्स जो हैं वो मूविंग के लिए होते हैं दीज आर दी वॉकिंग लेग्स फोर पेयर्स आर यूज फॉर वॉकिंग वाइल जो लास्ट पेयर है फिफ्थ पेयर जो है वो एनिमल को आगे की तरफ पुश करता है चली सेरा जो है वो यूज होता है फॉर फीडिंग आर्थ्रोपोर्ड्स की जैसे बाकी आर्थ्रोपोर्ड्स हैं उन्हीं की तरह हॉर्स शू क्रैब्स जो हैं उनमें भी कंपाउंड आइस प्रेजेंट होती हैं लेकिन ये बहुत रिड्यूस्ड होती हैं दे हैव सीरीज ऑफ सेवन बुक गिल्स सेवन बुक गिल्स जो हैं इनमें वो प्रेजेंट होती हैं एब के नीचे दे आर कॉल्ड बुक गिल्स बिकॉज दे लुक लाइक पेजेस इन अ बुक बुक की पेजेस की तरह ये दिखते हैं इसलिए इन्हें हम बुक गिल्स कहते हैं रेस्पिरेशन और गैशियस एक्सचेंज जो है वो इन बुक गिल्स के थ्रू होता है सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड होता है नर्वस सिस्टम जो है इसमें वो सरकम ईसोफेजियल ब्रेन वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लियन से मिलकर बनता है हॉर्स शू क्रैब्स जो हैं वो कभी कभी हाई टाइट के टाइम शोर आ जाते हैं ताकि वो मेट कर सकें फीमेल्स जो हैं वो एग्स ले करती हैं शेलो कोस्टल वाटर्स में एंड देन दे आर एक्सटर्नली फर्टिलाइज बाय द मेल हैचिंग जब हो जाती है तो हॉर्स शू क्रैब लार्वा जो है इट लुक्स लाइक अ ट्राइलोबाइट वो ट्रायलोबाइट्स की तरह जो है वो लार्वा क्रैब के वो दिखते हैं इसलिए ये माना गया है साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ट्राइलोबाइट्स जो हैं दे माइट बी एवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स ऑफ हॉर्सू क्रैब्स हॉर्स शू क्रैब्स का लार्वा जो है दे आर ऑल्सो रेफर टू एज ट्रायलोबाइट लार्वा एग्जाम्पल जो है इसका वो है लाइम्यूलस सेकेंड क्लास जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो है क्लास अरेकनीडा मींस स्पाइडर अरेकनीडा क्लास में अरेकनीडा जो है इसमें दे आर कम्पोज ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें स्पाइडर्स स्कॉर्पियन माइट स्टिक्स सब प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि अरेकनीडा जो क्लास है उसके मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स जो हैं वो हैं स्पाइडर्स करेंटली नाइंटी थाउजेंड स्पीशीज जो हैं क्लास अरेकनीडा को जो बिलोंग करते हैं वो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ अरेकनीडा नाट डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज अरेकनीडाज जो हैं दे कैन बी फाउंड इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट जैसे कि कुछ माइट्स जो हैं वो फ्रेश वाटर एनवायरमेंट्स में मिलती हैं अपार्ट फ्रॉम दाइड्र हाइड्रा हाइडर अरेक्टीनिडा देर आर अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइट्स इन पर्टिकुलर दैट कैन लिव इन वाटर यानी कि वो सेमी एक्वेटिक होती हैं मेजॉरिटी ऑफ अरेक्निड्स जो हैं ज़्यादातर वो हालांकि टेरिस्ट्रियल होते हैं वो टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ही मिलते हैं जहाँ पर ये ज़्यादातर स्मॉलर इंसेक्ट्स के प्रीडेटर्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ अरेक्निड्स जो हैं जैसे मैंने अभी बताया दे आर टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बॉडी जो है इनकी वो डिवाइडेड होती है टू पार्ट्स में सिफेलोथोरैक्स एंड एबडोमिन सिफेलोथोरैक्स या प्रोसोमा जो है दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी और एबडोमिन जो है वो बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट होता है और एबडोमन में अपेंडेजेस जो है इट इज़ यूजुअली विदाउट दी अपेंडेजेस में अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं सिफेलोथोरेक्स जो है वो कंपोज्ड होता है डोर्सल कैरापेस से और वेंट्रल स्टर्नम से अगेन सिफेलोथोरेक्स जो है इट बेयर्स सिक्स पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस छः जोड़ी अपेंडेजेस जो हैं वो सिफेलोथोरेक्स में प्रेजेंट होती हैं एक पेयर जो है वो कैलीसराय की है फैंग्स की होती है विच आर दी फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडिजेस एक पेयर पेडीपेल्प का होता है जो कि या तो सेंसरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में या फिर जैसे कि स्कॉर्पिय हैं उनमें ये पिंसर्स की तरह एक्ट करता है चार जोड़ी जो हैं, फोर पेयर इसमें वॉकिंग लेग्स होते हैं एंड दे डो नॉट प्रजेस एन एंटीनी एंटीनी इसमें प्रेजेंट नहीं होती है आइज सिंपल होती हैं कंपाउंड आइज़ इनमें प्रेजेंट नहीं होती हैं माउथ पार्ट्स जो हैं अरेक्नेट्स के दे आर मेड फॉर इंजेस्टिंग अ फ्लूड मिल वो फ्लूएड मिल को इंजेस्ट करने के लिए बने होते हैं रादर देन च्यूइंग क्योंकि इनमें जॉ नहीं होता है विनम ग्लैंड जो हैं अरेक्नेट्स के वो एक स्पीसी से दूसरे स्पीसी में अलग अलग तरह के होते हैं दे ऑल्सो प्रोजेस अ डोसल हार्ट जो कि ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम जो है इसमें वो प्रेजेंट होता है द डोसल हार्ट अलाउस फॉर एन ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन इनमें बुक लंग्स के थ्रू होता है एक्सक्रीशन जो है वो कॉक्सल ग्लैंड और मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स दोनों से होता है नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है जिस जिसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड और फ्यूज्ड गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं इन दोनों से मिलकर नर्वस सिस्टम बनता है डायशियस होते हैं ज्यादातर ओविपेरस होते हैं कोर्टशिप इनमें मेटिंग से पहले कोर्टशिप होती है पेडीपेल्प्स आर यूज टू ट्रांसफर द स्पर्मेटोफोर्स फॉर फर्टिलाइजेशन और यह कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं तो so, स्टूडेंट्स आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा स्टडी किया जिसमें हमने आज सब फाइलम डेटा के कैरेक्टर्स और उसको अप टू क्लासेस हमने स्टडी किया नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा सब फाइलम आर्थ्रोपोडा का लेंगे